सी प्लस प्लस एक जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको जान स्टाउस्ट्रप ने सी लैंग्वेज के एक्सटेंशन के तौर पर बनाया था। स्टाउस्ट्रप एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने चाहते थे जो कि सी के जैसी बेसिक और यूजर फ्रेंडली हो, और उसी के साथ साथ वो चाहते थे कि उसमें कुछ हाई लेवल फीचर्स भी हों, फॉर एग्जाम्पल क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स। इसीलिए स्टाउस्ट्रप ने जब इसको बनाया था तब इसका इनिशियल नाम उन्होंने सी विद क्लासेस दिया था। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 1970s के उस दौर में लोग प्रोग्रामिंग करने के लिए लो लेवल मशीन इंस्ट्रक्शंस लिखा करते थे, जो कि एक बहुत ही जटिल कार्य था। C++ में लो लेवल C जैसे फीचर्स तो होते ही हैं, उसी के साथ साथ कुछ हाई लेवल जेनेरिक फीचर्स भी होते हैं, जो कि इसे खास और अपने आप में एक अलग लैंग्वेज बनाते हैं। इसी जरूरत को समझते हुए 1979 में स्टाउस्ट्रप जोरों शोरों से C++ के डेवलपमेंट में जुट गए और 1985 में इन्होंने C++ का पहला वर्जन आउट किया। 1989 में एनसाई ने कह दिया कि हमको इस लैंग्वेज का एक प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन चाहिए, और 1989 में एनसाई द्वारा C++ को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। स्टाउस्ट्रप ने C++ के लिए एक नया और स्टैंड अलोन कंपाइलर भी बनाया था जिसको उन्होंने सी फ्रंट के नाम से पुकारा। 1998 में C++98 को एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के तौर पर रिलीज किया गया और C++ के बाकी के वर्जन इस टाइमलाइन के मुताबिक रिलीज किए गए। 3 जनवरी 2018 में जॉन स्टाउस्ट्रप को चार्ल्स स्टार्क ट्रैपर प्राइज से नवाजा गया, और 2021 में भी C++ नंबर 4 रैंक करी थी TOP इंडेक्स में। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि TOP इंडेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की लोकप्रियता को मापने का एक इंडेक्स है। तो ये थी C++ की हिस्ट्री और डेवलपमेंट की टाइमलाइन। अब आ जाता हूं लैंग्वेज के सिंटेक्स पर और आप लोगों को बताता हूं C++ के सिंटेक्स के बारे में। एक टिपिकल C++ प्रोग्राम कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहां पर हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि रिजॉल्व होती है एक दूसरे कोड में। C++ के अंदर आप लोग कॉमेंट्स कुछ इस तरह से लगा सकते हैं, कुछ इस तरह से आप लोग सिंगल लाइन कॉमेंट्स और कुछ इस तरह से आप लोग मल्टी लाइन कॉमेंट्स बना सकते हैं। कॉमेंट्स का मतलब कि C++ प्रोग्राम इस पर्टिकुलर पीस ऑफ टेक्स्ट को इग्नोर करेगा। आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है और आप लोग मेन फंक्शन जैसे और भी अलग नाम से फंक्शन C++ में बना सकते हो। किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए आप लोग Cout का इस्तेमाल कुछ इस तरह से कर सकते हो, और यूजर से इनपुट लेने के लिए आप लोग Cin का इस्तेमाल कुछ इस तरह से कर सकते हो। वेरिएबल से कंटेनर की तरह होता है, जिस तरह से आप लोग कंटेनर्स के अंदर दाल आटा या फिर चीनी स्टोर करते हो, उसी तरह से आप लोग C++ के कंटेनर के अंदर फ्लोट इंट कैर या फिर और भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो। C++ के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशंस कुछ इस तरह से आप लोग परफॉर्म कर सकते हो, और Cout की सहायता से उनको कुछ इस तरह से प्रिंट भी किया जा सकता है। अपने प्रोग्राम को डिसिसिव लॉजिक देने के लिए आप लोग इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ इस तरह से आप लोग इफ एल्स लैडर बना सकते हो। इफ के अंदर जो भी चीज आप लोग लिखोगे वो एग्जीक्यूट तभी करेगी जब इफ के अंदर की कंडीशन ट्रू है, और अगर इफ के अंदर की कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो अगली else if वाली कंडीशंस को चेक करता है एंड फाइनली else को एग्जीक्यूट कर देता है। इफ एल्स के काफी सिमिलर होता है स्विच के स्टेटमेंट, जिसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। आप एक वैल्यू के आधार पर डिसीजन ले सकते हो, अगर वो वैल्यू किसी भी एक केस को मैच करती है तो आप लोग कुछ इस तरह से एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड चला सकते हो। C++ के अंदर लूप्स का इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया जा सकता है। कुछ इस तरह से आप लोग व्हाइल, कुछ इस तरह से आप लोग डू व्हाइल, और कुछ इस तरह से आप लोग फॉर लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अपने कस्टम फंक्शंस आप लोग कुछ इस तरह से बना सकते हो और कुछ इस तरह से इनको आप लोग एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। कभी भी आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ जाता है रन टाइम पर, तब आप लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का इस्तेमाल कुछ इस तरह से कर सकते हो। सी के अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए न्यू और डिलीट ऑपरेटर्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल आप लोग कुछ इस तरह से कर सकते हो। ये ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज में उपलब्ध नहीं होते हैं, और C++ के अंदर इनका एडिशन प्रोग्रामर्स के लिए एक बहुत बड़ा कन्वीनियंस फंक्शन है। अपने कस्टम डेटा टाइप्स को बनाने के लिए आप लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है जो कि ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इस तरह से आप लोग क्लासेस बना सकते हो, और कुछ इस तरह से उन क्लासेस का इस्तेमाल करके आप लोग ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हो। इनहेरिटेंस का इस्तेमाल कुछ इस तरह से C++ में किया जा सकता है। आप लोग सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का इस्तेमाल कुछ इस तरह से कर सकते हो। C++ के अंदर 3 तरह के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। C++ के अंदर फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। आप लोग किसी भी एक फंक्शन को एक क्लास का फ्रेंड बना सकते हो, और उसके बाद वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर सकता है। कुछ इस तरह से आप लोग फ्रेंड फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ साथ C++ में वर्चुअल फंक्शंस, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए टेम्पलेट्स और बिट मैनिपुलेशन के और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। टेम्पलेट्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप लोग कस्टम डेटा टाइप वाला फंक्शन और क्लास बना सकते हो। C++ के अंदर स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होती है, जो कि कलेक्शन होता है बहुत सारे फंक्शंस का और बहुत सारी टेम्पलेट क्लासेस का, जो कि आप लोगों को कन्वीनियंटली C++ में
प्रोग्रामिंग करने में मदद करती है। ये डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है इसकी कन्वीनियंस के कारण और इसके कंप्लीट नेचर के कारण। C++ के अंदर आप लोग फाइल्स को रीड एंड राइट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से आप लोग फाइल्स को रीड कर सकते हैं C++ के अंदर, और कुछ इस तरह से आप लोग फाइल्स के अंदर राइट कर सकते हैं C++ के अंदर। तो ये था C++ का सिंटेक्स पार्ट। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।